नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक घर के ऊपर ये 8 किलोवाट का ऑनग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। यहां पर ये सोलर सिस्टम लगाने की जो पूरी प्रोसेस है वो जानेंगे, और साथ के साथ यहां पर घर के सभी उपकरण, जैसे कि हम पहले भी बताए थे, केरल में अपना खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, खुद का यहाँ पर सब कुछ पर्सनलाइज्ड होता है, तो यहाँ पर अपने घर के खाली छत पर बिजली खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है ग्रीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी को एडॉप्ट करना, तो जिसमें से सारा कुछ आप देख रहे हैं, आसपास पूरा ग्रीनरी है, साथ के साथ यहाँ पर नेचुरल वाटर सब है, और साथ के साथ यहाँ पर ईवी और सोलर दोनों की जो प्रचलन है वो चालू हो चुका है। तो यहाँ इस घर के ऊपर 8 किलोवाट ऑनग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। ये सोलर सिस्टम की खास बात है कि यहाँ पर सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगाया गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के लिए जो बिजली बिल आता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा के ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सोलर लगाने के बाद, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का कॉस्ट प्लस घर के उपकरण का जो बिजली बिल है वो वहाँ पर सारा कुछ किया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए यहाँ के कंज्यूमर से जानेंगे, वो सोलर सिस्टम कैसे गए, और यहाँ के जो लूम सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हम जानेंगे कि ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे किया गया, क्योंकि यहाँ के घर पर सोलर इंस्टॉल करना सिलेक्शन करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ के घर की साइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ रहता है। तो उनसे जान, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कि जो कंज्यूमर सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगवाना चाहते हैं सोलर सिस्टम, और जो ईवी खरीदे हुए वो जानना चाहते हैं कितने किलोवाट का लगेगा, तो उनको फायदा हो पाएगा। तो चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम एंड दिस लोकेशन एंड हाउ यू शिफ्टेड ऑन ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लीज सर। ഞാൻ ജോസ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പുതുക്കാടെന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കറണ്ട് ബില്ല് 5000 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ മേടിച്ചതിന് ശേഷം 15000 രൂപകളായി 2 മാസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത തോന്നിയത്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് മുഖേന തൃശ്ശൂരുള്ള ഗ്രീൻ ഫാൽക്കൻ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലൂം സോളാർ അവർ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് കാശ് 15000 എന്നുള്ളത് 2000 രൂപയ്ക്കായി കുറച്ചു. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സാണ്, ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യലാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ യാത്രയിലാണ്. 1 മാസം ഏവറേജ് 4000-5000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സോളാർ വെച്ചതിന് ശേഷം കറണ്ട് ബില്ല് വളരെ കുറച്ചു, ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമായി. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനായി. ओके, तो जो भी ये बोले हैं ये मलयालम में है पूरा का पूरा, ये इसका मतलब ये है इनके घर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और यहाँ पर घर के उपकरण को चार्ज करने के लिए सोलर लगाया गया है। कितना सर, व्हाट वाज द इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर ऑफ एवरेज बिफोर बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड आफ्टर बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग होम अप्लायंसेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर होम? 2 months बिल 15,000, नाउ 2 months बिल 2,000. ओके, एंड how is satisfy this installation work and solar energy installation? Hello, I am very and what you should give a message to all Kerala people to adopt a green energy? ഗ്രീൻ എനർജി വഴിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും, കാരണം അവർ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയിൽ ചെയ്തു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അവർ, അതെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. And what is the experience of our partners to work here on your home? Experienced workers ആണ്, ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരത് ഇത് സോളാർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന
എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ്സും നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ട് So I would like to invite our partner and I will get some information about subsidy scheme and installation process and too much information so please come sir Namaskar sir Namaskar तो ये वीडियो में यहाँ पर आपको हिंदी मलयालम इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरे देश में वीडियो देखा जाएगा और खासकर केरला में तो सबसे पहले सर आप एक इंट्रोडक्शन दें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं और कंज्यूमर से पहला एक्सपीरियंस से लेके अभी तक कैसा रहा है ये अच्छा एक्सपीरियंस है ये कस्टमर इन त्रिचूर में कंपनी का नाम डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ग्रीन फाल्कन टेक्नोलॉजी LLP इन लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर ये पहले कस्टमर 4000 rupees करंट बिल यू मे शेयर सर मलयालम इन मलयालम एक्सपीरियंस ओके यू मे शेयर फर्स्ट कस्टमर ने 4000 रुपीस ആയിരുന്നു കറന്റ് ബില്ല് കൺസംപ്ഷൻ ഇബി കൺസംപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോ കസ്റ്റമർ ഇബി എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇബി വെഹിക്കിൾ ഇൻ എംജിയുടെ ഇബി വെഹിക്കിൾ എടുത്തു ഇബി വെഹിക്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറന്റ് കൺസംപ്ഷൻ ഇൻ 15000 റുപ്പീസ് കറന്റ് ബിൽ കൺസംപ്ഷൻ ആയി അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സോളാർ എനർജി ഗ്രീൻ എനർജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റമർ കൺവേർട്ട് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കസ്റ്റമർ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കറന്റ് കൺസംപ്ഷൻ എത്ര വയ്ക്കാം സബ്സിഡി MNRE സബ്സിഡി സ്കീമിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 8 kW സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ 2 months ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റമർ 2 months ഇപ്പോൾ കറന്റ് ബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവർക്കൊരു 1500 to 2000 rupees കറന്റ് ബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റെഡ്യൂസ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് 8 kW വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് 8 kW നോർമൽ 10 kW വെച്ചിരുന്ന കറന്റ് ബിൽ ഇപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മിനിമം കൺസംപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ यहाँ पर ये सिस्टम जो लगाया गया है सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगाया गया है ऑन ग्रिड है तो और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कोई भी कंज्यूमर इसको आसानी से देख कर समझ सकते हैं आई वुड लाइक नो कि व्हाट इज द सब्सिडी स्कीम इन केरला एंड हाउ कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ दिस कंज्यूमर इन ऑलमोस्ट 3 kVA सिस्टम इन 43000 रुपीस सब्सिडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 kW इन 58000 रुपीस 8 kW in 82,000 rupees in subsidy milega, return milega. 10 kW almost 92,000 rupees subsidy milega. Almost a total 40 to 20% subsidy in total price. And what are the eligibility criteria to get a subsidy? Subsidy eligibility criteria in rooftop in domestic purpose only. Domestic. Only home purpose only subsidy milega. Home purpose ke liye subsidy milega and उनका sanction load कितना होना चाहिए? What is the sanction load of? Sanction load in maximum subsidy milega in 10 kW. 10 kW. And kilowatt. Minimum? Minimum 3 kW. Minimum 3 kW and maximum 10 kW. And in subsidy scheme, which type of solar products using? Because there are many different types of solar panel. Okay. Monofacial, DCR, bifacial, polycrystalline. And what are the criteria for subsidy scheme? Subsidy monofacial, bifacial is subsidy milega in DCR panels only subsidy milega government approved panel and DCR panels only subsidy milega और यहाँ पर जो component लगे हुए हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे किस type का component यहाँ पर आप लगाए हैं इस घर पर इस घर में ये panels in loom solar का DCR panels 540 watt panel install करेगा इन structure बना दिया इन Tata GI pipe का 0.4 thickness loop बना दिया right so, and inverter and wiring and earthing earthing in 4 earthing मिलेगा और नीचे 3 feet 4 feet में earthing चार earthing बना दिया inverter using इन sofa brand inverter using and how much area required here to install 8 kW solar power 8 kW maximum requiring in 250 square feet
डॉक्यूमेंट्स बना दिया कंपनी बना दिया वो आपके थ्रू होता है डायरेक्ट फुल ऑप्शन बना दिया सब्सिडी ओके मतलब सब्सिडी एंड नेट मीटरिंग सारा कुछ आपके थ्रू होता है आप जो इंस्टॉलेशन जो क्वालिटी है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं इंस्टॉलेशन कितना चैलेंजेज है यहाँ के लिए और इसमें क्या खास बात है इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट टोटल इन 4 लाख टोटल 8 किलोवाट इन 4 लाख इन कॉस्ट टोटल कॉस्ट इन आफ्टर सब्सिडी 82,000 ये कस्टमर कॉन्टैक्ट टू डायरेक्ट टू थ्रू फोन आई विल कम साइट विजिट लोकेशन ये सब्सिडी हाउ मच पैनल रूडिंग रूफ टॉप എത്ര പാനൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 8 കിലോവാട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഗുഡ് കസ്റ്റമർക്ക് ആൻഡ് വേർ ഈസ് യുവർ ഓഫീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സർവീസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഹൗ യു വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ സർവീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ അവർ ഓഫീസ് ഇൻ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ഇൻ ഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ company name Green Falcon Technology in native just side to my office in almost 15 kilometer this is service good provide in panel cleaning in every 3 months in panel cleaning after call complete the one ओके तो इस वीडियो में कई लैंग्वेज में बात किया गया है तो हम इसको पूरा समराइज इंफॉर्मेशन जिसे एक इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास पहुंचे तो यहां पर जो सभी सर कंज्यूमर और हमारे पार्टनर से बात करने के बाद हमें जो समझ में आया है कि ये जो घर में जो सोलर क्यों लगाया गया है तो पर्पस एक ही है बिजली बिल की बचत करना यहाँ की जो जर्नी चालू हुआ है एक घर है जहाँ पर 16 किलोवाट का सैंक्शन लोड है और जैसा कि आपको पता है केरला जो स्टेट है वहाँ पर बिजली केएससीबी का बहुत बढ़िया सप्लाई होती है यहाँ पर पावर कट नहीं होती है और यहाँ के जो शहरी इलाके हैं जैसे कि जो मेन रोड के बगल में है यहाँ पर पावर कट ना होने की वजह से यहाँ पर ऑन ग्रिड का सलेक्शन किया गया है ऑन ग्रिड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैटर्न की बात किया जाए तो बिफोर बाइंग अ इलेक्ट्रिक कार यहां का जो बिजली बिल था वह था 4000 का जब इलेक्ट्रिक कार बाय किया गया है तो अब बिजली बिल जो आ रहा है वह 15000 का आ रहा है तो यहां के महीने का जो बिजली बिल है 2 महीने का वह है 15000 का तो मतलब हर मंथ देखा जाए तो 7000 एवरेज यहां पर बिजली बिल आता है होम विद इलेक्ट्रिक कार का इसको कम करने के लिए यहां पर यह सोलर सिस्टम का सिलेक्शन किया गया है सोलर सिस्टम में जब बात करते हैं तो अभी ऑन ग्रिड में सरकार सेंट्रल स्कीम के थ्रू कोई भी कंज्यूमर यदि घरेलू उपयोग के लिए रेसिडेंशियल सेक्टर में यदि सोलर लगाते हैं तो 10 किलोवाट तक उनको सब्सिडी मिलता है अब यहां पर सब्सिडी की बात जब हम करते हैं तो वहां पर आती है कि बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है सोलर पैनल को लेके कि कौन से प्रोडक्ट पर सब्सिडी मिलेगा तो यहां पर जैसे कि ये लूम सोलर का डीसीआर पीवी मॉड्यूल है डीसीआर जिसमें आप देख रहे ब्लैक फ्रेम में है और यहां पर जो ये हाफ कट सबसे बड़ी बात है जो डीसीआर आता था वो पॉलीक्रिस्टलिन में आता था जिससे कम जगह में मतलब वो सोलर पैनल लगता है उसको लगाने के लिए मैक्सिमम स्पेस की जरूरत होती है तो यहां पर डीसीआर सोलर पैनल लगाया गया है जो 530 वाट का ये सोलर पैनल है मोनो हाफ कट यहां पर जो नंबर ऑफ सोलर पैनल है वो 14 सोलर पैनल है और यहां पर जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है यहां पर साइट पर ही आके फैब्रिकेट किया गया है यहां पर जैसे कि यहां पर इंस्टॉलेशन क्वालिटी
बेटर रहता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम को लगाने के लिए बहुत सारे बेस प्लेट और दीवार में इसको सेट किया गया है। आप इसका ऊपर का व्यू हम दिखाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा सोलर पैनल की कैसा दिख रहा है। लाइटिंग अरेस्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइटिंग अरेस्टर यहाँ से दूर हाइट पर लगा हुआ है और उसकी हाइट ये जितने भी एरिया है उससे ज्यादा हाइट पर है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ यहाँ पर 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर और उसके साथ डीसी वायर और उसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए पीवीसी पाइप और केबल टाई और क्लैंप का इस्तेमाल करके यहाँ पर पूरा इंस्टॉल किया गया है विथ बेस्ट क्वालिटी। जब इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर सारा इंस्टॉलेशन रिपोर्ट केसीवी के वेबसाइट पर व नेट मीटरिंग के लिए प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद नेट मीटरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर इसका बेनिफिट्स उठाते रहेंगे। तो ये है पूरा इस साइट की जर्नी। इस वीडियो में सोलर सब्सिडी स्कीम के बारे में पूरी बात किए हैं, ये सिस्टम कैसे लगाया गया है और क्या यहाँ पर इसका फायदा है और साथ के साथ यहाँ पर पार्टनर से भी पूरी जानकारी हम जाने हैं। तो वीडियो में कुछ हम छोड़े हैं तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के या केरल के किसी भी एरिया से आप देख रहे हैं, चाहे आप केरल में हैं या केरल के बाहर आप रह रहे हैं, तो आप उनसे बाय फोन कॉल या आप उनके जो एड्रेस बताए हैं अपने बिजनेस का वहां पर जाके उनसे मिल सकते हैं। उनकी जानकारी loomsolar.com पर है, वहां से भी जाके जान सकते हैं। और ये जो घर जो है रोड के किनारे है सर, ये कोची टू त्रिशूर रोड है। तो कोची और त्रिशूर रोड है तो यहाँ पर आपको साइट सामने ही दिख रहा है। तो ये जानकारी पूरे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आपके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।